बट अब स्टार्ट करते हैं हम रिलेशन बिटवीन द कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड सेल कॉन्स्टेंट, ठीक है। इन सब के डेफिनेशंस पढ़ेंगे, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, उन फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हमें किसी वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, डिपेंड करेगा जितनी लेंथ ज्यादा बढ़ती जाएगी रेजिस्टेंस बढ़ ज्यादा आएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मींस रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंबाइन कर दिया, लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, रो एल बाय ए, ये रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या फिर क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। टेकिंग रेसिप्रोकल हो, बहुत दोनों का रेसिप्रोकल ले लीजिए दोनों तरफ, तो 1 by r इज इक्वल टू 1 by रो और ये क्या हो गया ए बाई एल, राइट। तो 1 by रो को एक तरफ करते हैं, क्या हो गया 1 by r और ये आके क्या हो जाएगा इधर l by a, राइट। अच्छा जी, 1 by रो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी, जिसे हम बोल रहे स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक ही बात है, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस में कंडक्टिविटी में, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। इस बोलते हैं कप्पा, क्लास में बच्चे हंसते थे कप्पा बोलते ही, कटप्पा नहीं कप्पा, ठीक है। तो कप्पा, कप्पा किस, कप्पा से रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो कंडक्टेंस बाहुबली याद आ गई है, तो कप्पा है कप्पा, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पे 1 बाई आर, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे जी से, ठीक है। सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, जी कह दो ऐसे ही कह दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जी लिख रही हूँ, आप ध्यान रखना कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट किससे किया है मैंने, जी से। अब आ जाओ एल बाई ए, लेंथ अपॉन एरिया, ये क्या होता है सेल कॉन्स्टेंट, जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी स्टार से। दोबारा सुनो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एक ही बात है, कप्पा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस और एल बाई ए इज सेल कॉन्स्टेंट। सेल कॉन्स्टेंट क्या होता है, एक कंडक्टर की लेंथ और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो, एल बाई ए को बोलते हैं सेल कॉन्स्टेंट, रिप्रेजेंट किसे कर रहे हैं इसको, जी स्टार से, याद है ना जी स्टार इज द सेल कॉन्स्टेंट। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, पूछ लेते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सेल कॉन्स्टेंट आ गए, सेल कॉन्स्टेंट आ गए क्या, एल बाई ए, ठीक है। सेल कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट किसे करते हैं, जी स्टार से। देखो सेल कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट किसे करते हैं, जी स्टार से। तो क्या हो गया, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। अब यहाँ पे आ जाए कि डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कप्पा को डिफाइन कीजिए, इसको डिफाइन करना है अपने को। जब इसको डिफाइन करना है तो यहाँ पे ये जी स्टार, यहाँ पे लिखते हैं जी, जी स्टार क्या होता है लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ वन लेते हैं, वन लेते हैं, तो ये वन और वन ले लोगे तो उस टाइम क्या होगा, कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो डिफाइन करते टाइम बिल्कुल जैसे पीछे उसमें फैराडे फर्स्ट लॉ में डिफाइन किया था कि हमें वो जेड डिफाइन करना था, जेड क्या होता है याद है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो क्या डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पासेस थ्रू द सॉल्यूशन, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड क्यू, तो यहाँ पे जेड को डिफाइन करना, तो चार्ज पासेस थ्रू द सॉल्यूशन ने वन कूलम ले लिया, तो जेड क्या आ गया था कि वो वेट जो वन कूलम चार्ज पास करने से डिपोज हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, वो कंडक्टेंस जब हमने लेंथ और एरिया क्या लिया, वन लिया। ऐसे कॉन्स्टेंट आपने पीछे सेकंड चैप्टर में डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम मोलिटी वन ली, जिस टाइम हमने वन मोलिटी ली सॉल्यूशन की, वन मोलिटी ली, उस टाइम जितना एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है के बी, तो ये इसी तरह से हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं के को, तो के में भी डिफाइंड एज द कप्पा, में भी डिफाइंड एज द कप्पा, ठीक है। बार बार बोल रहे हो कटप्पा नहीं कप्पा, ये हमारे घर वाले भी नहीं पढ़ाने दे रहे क्या बोल रहे हैं, तो कप्पा क्या होता है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, इजी के बराबर हो गया, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हुज लेंथ एंड एरिया आर यूनिटी, मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर है, उसकी जो कंडक्टेंस है ना, उसकी जो कंडक्टेंस आएगी उस कंडक्टेंस को क्या बोलेंगे हम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मान लीजिए अपने पास एक वायर ले लिया, लेंथ है उसकी, मान लीजिए सपोज कर लिया हमने 10 सेंटीमीटर ले लिया, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया यहाँ पे 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दे दिया, ठीक है। तो इसके हर वन पार्ट की हम लेंथ कितनी ले लें, इसकी 1 सेंटीमीटर, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसकी थिकनेस बढ़ा के कितना कर दें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस पार्ट की जो कंडक्टेंस आएगी जिसकी लेंथ 1 है एरिया 1 है उस टाइम जो कंडक्टेंस आएगी उस कंडक्टेंस को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब जी और ध्यान सुनना आप आगे बात, कि ये जो
यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, अपने पास ना बेटा मेटेलिक कंडक्टर नहीं है, मतलब अपने पास जो है वो मेटल नहीं कंडक्टर, अपने पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की तो आपको लेंथ और एरिया मेजर करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, प्लस लिक्विड की लेंथ और एरिया थोड़े मेजर करोगे। तो अपने को ये पता है लेंथ अगर किसी का 1 सेंटीमीटर हो, एरिया किसी का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब सीसी, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स इज इक्वल टू 1 ml। तो ये बोल दें कि ये कहने के बजाय कि ये एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ और एरिया 1 1 है, उसकी जो कंडक्टेंस आती है उसको बोलते हैं कपा, उसको ये बोल दो इट मे बी डिफाइंड एज द कपा मे बी डिफाइंड एज द इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसकी वॉल्यूम कितनी है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस आएगी ना, उस कंडक्टेंस को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। रटने को समझने को कोशिश करना, आप जैसे अपने पास एक सोल्यूशन है, अपने पास है 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है जी, कितना में है, मान लीजिए अपने पास ये है 10 लीटर सोल्यूशन है, इसमें 2 मोल कॉपर सल्फेट डिजोल्ड पर लीटर, मतलब 2 मोल इसमें क्या प्रेजेंट है, कॉपर डाई पॉजिटिव है, 2 मोल क्या है सल्फेट है, तो आयंस मूव कर रही है कॉपर एंड सल्फेट, एंड इसकी वजह से जो पूरे कंप्लीट सोल्यूशन की जो आएगी वो तो कहला है कंडक्टेंस जी, पूरा सॉल्यूशन का जो आएगा करंट फ्लो जो आएगा वो तो क्या कहला है कंडक्टेंस जी, और इसका 1 ml पार्ट ले लो, 1 ml इसके हर 1 ml सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होमोजेनियस, तो हर 1 ml पार्ट में बेटा नंबर ऑफ आयंस क्या मिलेंगे आपको सिमिलर होमोजेनियस है। अगर हम शुगर डिजोल्व कर ले एक ग्लास में, टेस्ट करके देखो तो आपको हर सिप में टेस्ट तो सेम ही आता है, तो नहीं कभी मीठा लग रहा हो कभी फीका लग रहा हो, इसका तो शुगर पार्टिकल पर ml क्या है सेम है, तो ऐसे यहाँ पर ml ऑफ पार्ट आयंस क्या है सेम, तो हर 1 ml पार्ट में जो आयंस है उनके मूवमेंट की वजह से कंडक्टेंस आ रहा है ना, 1 ml 1 ml 1 cm³, उस कंडक्टेंस को कहा जा रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। समझे आप ध्यान से कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो कब पर, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन हुज वॉल्यूम इज 1 cm³। क्या बता दिया, कप्पा इज द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन हुज वॉल्यूम इज 1 cm³। अब यूनिट की बात करते हैं, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, ठीक। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है पता है, पढ़ते ही फिजिक्स हो सारा दिन, या फिर वो मैथ केमिस्ट्री पढ़ लिया करो, अरे पढ़ लिया करो भाई पढ़ लिया करो, नहीं बड़ी दिक्कत हो जाएगी। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, ठीक पता है ना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस यूनिट क्या हो जाएगी ओम इनवर्स, इस ओम इनवर्स को MHO लिख देते हैं, मो लिख देते हैं, इसी को क्या लिख देते हैं साइमन, तो आप यूनिट रख देते हैं ओम इनवर्स लिख दीजिए चाहे साइमन लिख दीजिए, साइमन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं एस से, ठीक। अच्छा जी, यूनिट ऑफ द सेल कॉन्स्टेंट जी स्टार की, कहते हैं सेल कॉन्स्टेंट के एस आई यूनिट बताओ, तो सेल कॉन्स्टेंट किसे बोलते हैं, लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, लेंथ ले ली मान लीजिए आपने सेंटीमीटर में, एरिया ले लिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, फिर तो यूनिट क्या ली दोगे आप सेंटीमीटर इनवर्स पर, आपने ऐसा यूनिट नहीं बताया, ध्यान देना अगर पेपर हो गया ऐसा यूनिट बताओ तो फिर तो मीटर मीटर स्क्वायर लोगे, तो ऐसा यूनिट पूछे तो क्या बता दोगे भाई मीटर इनवर्स, ठीक। अब कह दीजिए यूनिट बताओ किसकी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसकी निकाल लीजिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट, कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो गई, या तो आप लिख दीजिए ओम इनवर्स या लिख दीजिए साइमन, तो ओम इनवर्स या ये लिख दीजिए, जब तक आपको ओम और साइमन इनवर्स और साइमन दी मिलती है, जी स्टार क्या हो गया सेल कॉन्स्टेंट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या लिख दीजिए साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और अगर ऐसा यूनिट की बात करो तो फिर क्या लिखना स्पेसिफिक कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या लिख दोगे, ये सेंटीमीटर इनवर्स क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स, तो साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स साइमन एक बात ही है मतलब एक ही बराबर है ये, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लिख दो तो साइमन मीटर इनवर्स लिख दीजिए। अच्छा अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की एक बात, न्यूमेरिकल में यूज हो जाए कहीं कहीं पे बात, न्यूमेरिकल में ये चीजें यूज होगी कि अगर आपने को कोई दो सॉल्यूशन दे रखे हैं एक इलेक्ट्रोलाइट के, वॉल्यूम V1 है वॉल्यूम V2 है, सॉल्यूशन A की कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस सॉरी कंडक्टेंस G और स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1 ml पार्ट वाले कंडक्टेंस कप्पा, तो कप्पा 1 दूसरी दे रखी है मान लीजिए कप्पा 2, क्या बता दिया कि अपने पास इलेक्ट्रोलाइट के किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के दो अलग अलग सॉल्यूशंस दे रखे हैं और मैं एक की स्पेसिफिक, अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ये तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ द पार्ट, तो उस 1 ml में आयंस भी और सॉल्वेंट भी है, तो क्या होगा अगर आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस सॉल्यूशन की बताने ना, तो क्या एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्वेंट प्लस स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है,
तो ये हमने बता दिया कि अपने पास इलेक्ट्रोलाइट के दो सोल्यूशन है, जिसमें एक दे दे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा वन, दूसरे क्या दे दे कप्पा टू, और कहते दीज टू मिक्स टुगेदर, यूज हो गया फॉर्मूला, इन दोनों को मिक्स कर दे, बताओ मिक्सर के स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या आएगी, तो क्या आ जाएगी कप्पा ऑफ द मिक्सर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कप्पा वन वी वन प्लस कप्पा टू वी टू डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम वी वन प्लस वी टू, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब नेक्स्ट, अभी हमने क्या पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन, क्या पढ़ा था ये रिलेशनशिप बिटवीन, आपने क्या पढ़ा कप्पा इज इक्वल टू क्या जी इंटू जी स्टार, तो रिलेशनशिप पढ़ा हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस और सेल कॉन्स्टेंट में। अब हम पढ़ते हैं एंड करते हैं हमने मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, तो ये है कंडक्टेंस ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, अपने पास वन मोल इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कितनी आएगी बट डिपेंड करता है, आप इलेक्ट्रोलाइट वन मोल ले रहे हो टू मोल ले रहे हो, एक तो हम ले वन मोल ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड तो भी वन मोल का टाइम मूव करेंगे, एक ले हम टू मोल एक ले थ्री मोल, तो कंडक्टेंस कितनी आने डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट पे, तो हर वन मोल इलेक्ट्रोलाइट से जो आयंस प्रोड्यूस होती हैं उनकी वजह से जो कंडक्टेंस अराइज होती है, वॉल्यूम का यहाँ पे कोई मैटर नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो एवरीवन वीएमएल, वॉल्यूम चाहिए कितने लीजिए, वॉल्यूम आप चाहिए वन लीटर लो, वॉल्यूम टू लीटर लीजिए, टेन लीटर लीजिए, मतलब वॉल्यूम का जस्ट दोबारा समझो, तो मैं कहूँ कि एक लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वन मोल पोटेशियम ब्रोमाइड एक लीटर में, ठीक है, तो उस एक लीटर सॉल्यूशन के पूरे के जो कंडक्टेंस है वो मोलर कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन की। अच्छा अब मैं कहता हूँ टू लीटर सॉल्यूशन ले लिया, मैंने वॉल्यूम कितनी ले ली टू लीटर, इलेक्ट्रोलाइट फिर कितना डाला मैंने वही वन मोल पोटेशियम ब्रोमाइड, वही डाल रहे वन मोल पोटेशियम ब्रोमाइड, इलेक्ट्रोलाइट एक मोल रख ली वॉल्यूम टू लीटर ले ली मैंने, वॉल्यूम अब टू लीटर में 2000 ml ले ली, थ्री लीटर ले लो टेन लीटर ले लो, जब तक उसमें इलेक्ट्रोलाइट एक मोल ना उसकी वजह से जो कंडक्टेंस अराइज होगी वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगी मोलर कंडक्टिविटी, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है, वॉल्यूम का कोई मैटर नहीं है, सिर्फ आपको किस बात पर ध्यान देना है कि अपने जो आयंस जिनकी वजह से कंडक्टेंस है वो कितने अमाउंट से प्रोड्यूस हुई वन मोल इलेक्ट्रोलाइट से, थोड़ा हुआ क्लियर, कि अपने पास कोई सॉल्यूशन है 10 लीटर 20 लीटर कितना भी उसमें इलेक्ट्रोलाइट एक मोल है, उस एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो आयंस प्रोड्यूस होंगे वो कंडक्टेंस आई हो मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो आप एक बताओ ना, एक तो मैं लिया वन मोल ऑफ द वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl, ठीक है, और 10 लीटर ले लिया, एक ले लिया मैंने वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड और ये भी कितना ले लिया 10 लीटर, तो इस पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस आई वो क्या कहलाएगी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, वो इसकी क्या है मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन दोनों के बराबर आएगी, इलेक्ट्रोलाइट तो ये भी वन मोल है ये भी वन मोल है दोनों कंडक्टेंस तो इनकी मोलर कंडक्टिविटी है, पर देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट यार कम दे रहा है, तो एक मोल इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे जो आयंस प्रोड्यूस हुई उनकी वजह से कंडक्टेंस अराइज होगी वो मोलर कंडक्टिविटी है जी, तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो मोलर कंडक्टिविटी कम आएगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा आएगी, थोड़ा हुआ क्लियर, मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस which are produced from the one mole of electrolyte in a solution. इस मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस से, क्या रिलेशन है मोलर इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा है जो आप बताने वाले हो, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इन 2000 अपॉन वॉल्यूम अपॉन मोलरिटी, यहाँ पे यूनिट देखना कब पहले कप्पा कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये फॉर्मूला यहाँ यहाँ पे तभी अप्लाई होगा जब आपका कप्पा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में लोगे, अभी प्रूव करेंगे इसे क्यों, मोलरिटी है मोलरिटी किसमें होनी चाहिए मोलरिटी यूनिट क्या होनी चाहिए मोल पर लीटर, कई बार मोलरिटी मोल पर मीटर क्यों में देते मोल पर डेसीमीटर क्यों में देते, वैसे मोलरिटी का मतलब क्या होता है एक लीटर सोल्यूशन में कितना मोल सब्सटेंस है, तो मोलरिटी क्या होना चाहिए मोल पर लीटर में, दोबारा देखना मोलरिटी होनी चाहिए मोल पर लीटर में और स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसमें होनी चाहिए साइमन सेंटीमीटर इनवर्स नॉट इन मीटर इनवर्स, अगर मीटर इनवर्स देखते हो चेंज हो या तो इसको चेंज करो या फिर फॉर्मूला चेंज करेंगे वो आगे बता देंगे, इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी फॉर्मूला आया कहाँ से अब बताओ मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस व्हिच प्रोड्यूस फ्रॉम द वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मान लीजिए हमने इस सॉल्यूशन में वॉल्यूम मैंने ले लिया बेटा सपोज कर ली मैंने 100 ml 100 ml इलेक्ट्रोलाइट मैंने कितना डाला इसमें मान ली 1 mole, ठीक है, तो इस पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जो आई उसको मैं मोलर कंडक्टिविटी के दो लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करती है, क्यों कह दूं क्योंकि हर वन मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से वन मोल इलेक्ट्रोलाइट से जो कंडक्टेंस अराइज होती है मोलर कंडक्टिविटी, तो इस पूरे सॉल्यूशन में एक ही मोल तो इलेक्ट्रोलाइट डाला मैंने तो पूरे सॉल्यूशन कंडक्टेंस क्या आ गया लैम्डा,
ठीक है, सोल्यूशन होमोजेनियस मिक्सर है, इसके हर एक पार्ट की, एक पार्ट में 1 ml पार्ट की, इसके 1 ml पार्ट की, इस सोल्यूशन की 1 ml पार्ट की, मैंने इसके ना 1 ml 1 ml 1 ml के 100 पीस कर दिए, टक 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 काट दिए, 100 टुकड़े ले लिए, ठीक है। तो इसके 1 ml पीस की कंडक्टेंस है, उसको कप्पा बोलते हैं, बताओ याद है कप्पा क्या था, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सोल्यूशन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस था कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके 1 ml पार्ट की कंडक्टेंस कप्पा, तो 1 ml पार्ट की कप्पा, तो पूरे कितने पार्ट्स हैं इसमें, 100, तो कर दो कप्पा इनटू 100, तो पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस लैम्डा एम क्यों लिखी थी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट 1 mole था, और लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इनटू 100 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि 1 ml कप्पा तो 100 ml क्यों, कप्पा इनटू 100 पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस आ गई। अगर मान लीजिए इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम 2 liter और 2 liter, तो 1 ml पार्ट की कंडक्टेंस का पार्ट 2 liter में ऐसे कितने पार्ट हो जाएंगे, 2000, ठीक है, तो 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने पास एक जनरल रिलेशन आ गया कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन, ध्यान सुनना बेटा, मोल सोया तो सो भी जाते हो रहे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, नींद ना तक पढ़ा करो, घर वाले को फोन क्या दो कि मैं तो अपना लेक्चर पढ़ रहा हूँ, तो सॉरी पढ़ने लग जाओ ना, अरे करियो ईमानदारी, कुछ तो बरतना ईमानदारी, करो ना हमारे ऊपर दया, रात के 12 बज रहे हैं, तबीयत में कुछ बोलनी भी नहीं बोली, क्यों कैसे बोलूँ, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू, अरे तो 12 क्यों बजा रखी मैडम, अरे 12 सोएगा जब भी तो पढ़ाएंगे बेटा जी, है ना, नहीं तो बेचे बोलने लग जाते हैं, तो 2000 ml, आप भूल गए, मेरा टॉपिक भूल गए ना, मैं बिग टाइम खींच गई, क्या बताया था कि यहाँ पे देखा 100 पार्ट थे, तो 100 ml की 1 ml कंडक्टेंस को कप्पा से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 liter लिया तो 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं लिख दूँ अपने सॉल्यूशन की वॉल्यूम VML है, VML, तो हर 1 ml की कंडक्टेंस कप्पा, तो VML में कितने पार्ट हो गए भाई, इंटू V कर दे, ये V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, 1 ml की कंडक्टेंस कप्पा, टोटल कितने ml है, VML, तो पूरे सॉल्यूशन क्या है, और उस पूरे सॉल्यूशन की लैम्डा के बराबर क्यों लिखा, क्योंकि क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट 1 mole था, कुछ हो रहा है क्लियर, 1 mole इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टेंस अराइज हो वो मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, 1 ml पार्ट की वजह से कंडक्टेंस अराइज हो वो होता है कप्पा, तो पूरे कितने पार्ट बन गए उससे, बीस मल्टी से अप्लाई कर दीजिए। अब देखो फॉर्मूला कैसे आएगा, मान लीजिए अपने पास ध्यान सुना सोल्यूशन है एक्स मोलर, यही पता तो मेरे पर, अपने पास मान लीजिए सोल्यूशन कितना है, यहाँ पे लिख रही हूँ एक्स मोलर, एक्स मोलर मीन्स एक्स मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, तो एक्स मोलर एक्स मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट पर लीटर, तो एक्स मोल इलेक्ट्रोलाइट कितनी वॉल्यूम में है, 1000 ml में, तो 1 mole इलेक्ट्रोलाइट कितने में है, 1000 upon में x, 1000 ml है, ml, ml को मैं सेंटीमीटर क्यूब लिख दूं, तो मैडम जो मन करे वो लिखो, अब तो हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, है ना, 1000 ml, 1000 centimeter क्यूब अपॉन में क्या हो गया ये x, क्या बता दिया मैंने, कोई सॉल्यूशन लिया x मोलर, मोलरिटी क्या थी मेरे सॉल्यूशन की, x मोलरिटी थी, x x मोलर सॉल्यूशन था, तो x मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1000 ml, तो 1 mole इलेक्ट्रोलाइट कितने प्रेजेंट है, 1000 into x, और जिस सॉल्यूशन में 1 mole इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी वजह से जो कंडक्टेंस अराइज होती है उसी को तो मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, तो बताओ लैम्डा एम लिखो यहाँ पे, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इनटू, ये भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml व्हिच कंटेन्स 1 mole ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो v इज द वॉल्यूम ml में सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1000 upon x, अरे बताओ x क्या था, x क्या थी, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो x की जगह लिख दूं मैं मोलरिटी, x की जगह लिख दें हम मोलरिटी, ठीक, ये लिख दिया x की जगह मोलरिटी, आ जाओ अभी यहाँ पे देखो ये आ गया कप्पा, मैंने क्यों कहा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में लेना इसको, क्योंकि मेरे पास मतलब 1000 ml है, वो क्या है सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ ये सेंटीमीटर इनवर्स और ये क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे तो सेंटीमीटर क्यूब, तो लैम्डा एम की यूनिट क्या आ जाएगी साइमन, ये सेंटीमीटर इनवर्स है सेंटीमीटर क्यूब, तो साइमन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये मोलरिटी किसमें, मोल पर लीटर का हिसाब ऊपर होगा 1000 ml, ठीक है, तो ये मोल इनवर्स हो जाएगा ना, तो साइमन समझे कुछ बात, क्या बताया मोलरिटी के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो मैं कह रही हूँ पर लीटर का मतलब, तो मैंने ऊपर लिख दिया 1000 ml, ठीक, तो आ गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल, ये यूनिट आ गया अपने किसकी
मोलर कंडक्टिविटी, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, गिव इट्स यूनिट, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और ऐसे यूनिट कह दे तो ऐसा ही कह दो साइमन मीटर स्केयर कहोगे। तो अगर हम रिलेशन लिखें तो साइमन सेंटीमीटर स्केयर पर मोल इज इक्वल टू सेंटीमीटर, मीटर कितना 10^-2, तो सेंटीमीटर स्केयर की जगह मैं लिखता हूँ 10^-4, क्या आ जाएगा साइमन मीटर स्केयर पर मोल। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो जैसे मोलर कंडक्टिविटी वन मोल इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, बिल्कुल सेम, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ द 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्वड इन VML ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम का कोई मैटर नहीं है, वॉल्यूम आप कितना लीजिए, बस इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट। हर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट से जितने भी आयंस प्रोड्यूस होंगे वो कंडक्टेंस अराइज करेंगे, वो क्या कहलाएगी सॉल्यूशन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जैसे अपने पास मान लीजिए मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड है, मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड आपने लिया है 1 मोल, ठीक है 1 मोल लिया, मोल्टन एक्वा सॉल्यूशन ले लीजिए, ठीक है हमने मान लीजिए 1 मोल एक्वा सॉल्यूशन ले लिया इसके कैल्शियम क्लोराइड का, 1 मोल एक्वा सॉल्यूशन लिया और वॉल्यूम कितने ले लिया हमने पूरे सॉल्यूशन 10 लीटर, तो इस सॉल्यूशन की 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल है तो पूरी कंडक्टेंस जो आएगी फिलहाल वो क्या कहलाएगी इस पूरे सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एन। और अगर मैं इस मोलर कंडक्टिविटी की जगह इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लेना चाहूँ तो इलेक्ट्रोलाइट कितना लेना पड़ेगा 1 मोल नहीं 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब कितना है इक्विवेलेंट मास के बराबर, और इक्विवेलेंट मास कितना होता है मोलर मास का डिवाइड बाय एन फैक्टर, तो इस साल्ट का एन फैक्टर क्या होगा 2, ठीक। मतलब यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी आ रही है वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से आ रही है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किस वजह से आई 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, तो इसके वैल्यू से हाफ आ जाएगी, ठीक है। अब टर्म को समझ लीजिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, फिर मोलरिटी नॉनलिटी रिलेशन से हम लैम्डा एम को और इसको दोनों को रिलेट कर देंगे। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी इसको तो सेम कप्पा इनटू 1000 और भाई वो थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर लीटर, और अब क्या ले लिया ये क्या ले लेंगे यहाँ पे नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व पर लीटर नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। अब देखो मान लीजिए कोई सॉल्यूशन अपने पास x नॉर्मल है तो x ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उसका 1000 ml में, उसका x ग्राम इक्वल x नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी x नॉर्मलिटी तो x है तो x ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट 1000 ml में, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट कितने में 1000 upon x, वो इतने लिख सकते 1000 upon x, x क्या है यहाँ पे नॉर्मलिटी है 1000 ml है, तो फिर यहाँ पे ml मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान देना ml मतलब सेंटीमीटर, तो कप्पा किस में लोगे सेंटीमीटर इनवर्स, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो यूनिट क्या आ जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा पर ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। नॉर्मलिटी के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर का हिसाब किताब तो ऊपर हो गया 1000 ml से, तो यूनिट आ गई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक। अच्छा अगर इसको भी आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहो तो ऐसे यूनिट क्या होगी साइमन मीटर स्क्वायर और पर ग्राम इक्विवेलेंट, रिलेशन क्या हो जाएगा मीटर में सेंटीमीटर 100 तो इज इक्वल टू 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अच्छा जी अब यहाँ पे आपको जो मेन बात ध्यान देना न्यूमेरिकल करते टाइम, न्यूमेरिकल क्या था नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करवाएंगे, तो आप ये ध्यान रखना कि फॉर्मूला जब भी यूज करो कप्पा मस्ट बी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये पक्का साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होना चाहिए। अपने पास एक तरीका और भी है कि अगर आप साइमन मीटर इनवर्स में रखना चाहते हो तो फॉर्मूला को चेंज कर दो, या तो ये फॉर्मूला रखो तो हमेशा याद रखो मैं अलग से लिख देती हूँ मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या था कप्पा इनटू 1000 upon molarity, और जो बहुत ध्यान से सुनना आप ये ठीक है मोलर कंडक्टिविटी के लिए बोल रही भैया वो तो सेम बात आ जाएगी नॉर्मलिटी यहाँ पे मोलरिटी है, ये कप्पा मस्ट भी पक्का किसमें होना चाहिए आपका साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में होना चाहिए। अगर आप फॉर्मूला चेंज करना चाहते हो तो मतलब यहाँ पे मीटर इनवर्स लेना चाहते हैं यहाँ पे तो क्या करो ये 1000 ml ना ml मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर मीटर कितने होते हैं सेंटीमीटर मीटर कितने होते हैं 10^-2, तो सेंटीमीटर क्यूब को अगर मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 10^-2 की क्यूब मतलब क्या होगा 10^-6 मीन्स कितना आ जाएगा 10^-3, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा लैम्डा एम इज इक्वल टू सुनना ध्यान से जी कप्पा अपॉन 1000 × molarity कप्पा अपॉन 1000 × molarity। अब बोलो मैं इस सेंटीमीटर क्यूब को ये 1000 cm³ क्यूब था इसकी जगह मीटर क्यूब कर चुकी हो ना तो इस अब क्या करना है यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स की जगह क्या लेना मीटर इनवर्स, मतलब अब ये फॉर्मूला आप यूज करो तो कप्पा किस में ले सकते हो साइमन मीटर इनवर्स,
ठीक, क्योंकि मैं थाउजेंड क्या कर चुकी हूँ, मीटर क्यूब, तो ये मीटर एम मीटर क्यूब, तो यूनिट क्या आ जाएगी, अब ये फॉर्मूला यूज करूँ तो यूनिट क्या आ जाएगी, साइमन, और ये ऊपर क्या होगा मीटर टू, और ये क्या आ जाएगा पर मोल, राइट। फॉर्मूला आप ये यूज कर दीजिए, फॉर्मूला चाहिए ये यूज कर दीजिए। फॉर्मूला एक और भी है यहाँ पे, मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड डिसॉल्व्ड पर लीटर, पर लीटर का मतलब क्या होता है, पर यहाँ से देखो ये था 1000 ml, यहीं से स्टार्ट करते हो, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर और ये क्या था सेंटीमीटर क्यूब। मोलरिटी क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व्ड पर लीटर, पर लीटर मतलब क्या होता है पर डेसीमीटर क्यूब, और डेसीमीटर क्यूब ये पर डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब मीटर क्यूब कितने हो जाएंगे 10^-3, तो यहाँ पे ये 10^-3 ऊपर आएगा कितना, याद ये था पर डेसीमीटर क्यूब, ऊपर कर दो, ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा मीटर क्यूब, इधर उल्ट करोगे 10^-3, 10^-3 का मतलब नीचे आगे कितना हो जाएगा 1000, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला ये भी है, लैम्बडा एम इज इक्वल टू कप्पा अपॉन में मोलरिटी, पर जब ध्यान से सुनना, कब ध्यान सुनना, कब अप्लाई होगा ये, कि मोलरिटी यहाँ मोल पर लीटर में नहीं है, मोलरिटी किस में है, मोल पर मीटर क्यूब में, मोलरिटी मोल पर लीटर में नहीं है, पर मीटर क्यूब में। और अब ले लेना आप ये साइमन मीटर इनवर्स, आ जाएगी फिर साइमन, फिर आ जाएगा मीटर स्क्वायर और पर मोल, ठीक है, थैंक्स।